पोस्टर में अखिलेश और नीतीश की बल्ले बल्ले और दूसरे में बैंड बज गई। चुनावी राजनीति में अब तक जो जंग जुबानी थी अब वो पोस्टरों और बैनरों से शुरू हो गई है। पोस्टर का जवाब पोस्टर से मिला तो राजनीति में ऐसा भूचाल आया कि बस पूछो मत। कल अखिलेश और नीतीश के पक्ष में पोस्टर आया और आज विरोध में। अब लोग यही कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, चुनाव चल रहा है या फिर पोस्टरबाजी। कल सोशल मीडिया पर एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की हाथ हिलाते हुए फोटो लगी थी। ऊपर लिखा था यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। और आज एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसने तो सबकी नींद ही उड़ा डाली है। दरअसल कल जो वायरल पोस्टर हुआ था उसी पोस्टर की तस्वीर लगी है और तस्वीर के ऊपर क्रॉस का निशान लगा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की उदास चेहरे वाली फोटो लगी है और ऊपर लिखा है पहले राहुल भैया, फिर माया बुआ, फिर राजभर व चाचा शिवपाल का मूर्ख बनाया, जो खून अपने खून का सगा ना हुआ उसे बिहार याद आया, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना। दरअसल लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन राजनीति बयानबाजी और अटकलों का दौर अभी से जारी है। बीते महीने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड के अलग होने और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन सरकार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की तो उसके बाद से ही माना जा रहा है कि वह राष्ट्रीय फलक की राजनीति की ओर आ रहे हैं। इन सबके बीच यूपी में पोस्टर वार छिड़ चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने बीते दिनों एक पोस्टर ट्वीट किया और सपा के दफ्तर के बाहर भी लगाया जिस पर लिखा था यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। सपा नेता के इस पोस्टर पर राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उधर एक और पोस्टर सामने आ गया है। इस पोस्टर में सपा नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। इतना ही नहीं, पोस्टर में सपा के पोस्टर का जिक्र किया गया है। इस पोस्टर में लिखा है पहले राहुल भैया, फिर माया बुआ, फिर राजभर बचाचा शिवपाल का मूर्ख बनाया और जो अपने खून का सगा ना हुआ उसे बिहार याद आया है। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना की ओर से जारी पोस्टर में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की फोटो भी लगाई गई है। अमित जानी की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के इस पोस्टर में सपा के उस पोस्टर का भी जिक्र किया गया है जिस पर सपा ने 2024 में मोदी सरकार जाने का दावा किया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिनों दिल्ली स्थित एक अस्पताल में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद आईपी सिंह ने पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगवाया था। नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर कहा था कि आगे यूपी का नेतृत्व करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।